हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में मीन हार्टेक एक्सपेरिमेंट। आज आप लोग को MI A3 का जो आप लोग को मोबाइल की फ्यूचर में बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग सेटिंग्स पहले आप लोग को ऑन करना पड़ेगा। तो देखते रहे मैं कौन कौन चीज़ें आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो देखते रहे, पहला नंबर आप लोग को होगा। तो देखते रहे मैं क्या बताने वाला हूँ, देखते रहिए। आज बहुत अच्छा, आप लोग बहुत सीख पाएंगे यही सेटिंग्स के बारे में। पहले मैं आप सिक्योरिटी पे गया और सिक्योरिटी पे आप लोग को नंबर देखिए सिस्टम अपडेट। तो देखिए आप लोग का अपडेट नहीं होगा, चेक किया और चेक करने के बाद अपडेट आ रहे तो आप लोग अपडेट कर दीजिए तुरंत। अपडेट करने से बहुत स्पीड होता है मोबाइल के बारे में। और डिवाइस पर आप लोग जाइए, आप लोग को फाइंड माई डिवाइस करके रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा, सही रहेगा। और स्क्रीन पेनिंग तो जो आप लोग को ऑन करके भी रख सकते हैं, ऑफ करके भी रख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं आप लोग को और एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक्सेबिलिटी में आप लोग को बहुत अच्छा कुछ फंक्शन है तो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत खास फंक्शन है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग डार्क थीम, फॉन्ट साइज डिफॉल्ट लार्ज भी कर सकते हैं, वेरी लार्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए लार्जेस्ट, मैंने लार्जेस्ट कर दिया, बहुत बड़ा दिखते है। जो जिसके आँखें की प्रॉब्लम है वो लार्जेस्ट कर सकते हैं, और जिसके आँखें दूर से भी देखने में बहुत मज़ा आती है तो स्मॉल भी कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट करके रखा तो मीडियम साइज में रहेगी। तो इस तरह से आप लोग डिफॉल्ट करके भी रख सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, तो आप लोगों की मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। तो कोई कोई बंदा लार्ज कैसे करते हैं डिस्प्ले साइज़, तो आप इस वीडियो देख कर आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो स्किप करके और थोड़ा मतलब पुश करके आप लोग वीडियो देखकर आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग्स को इस तरह से बना सकते हैं। तो और एक बात बताने वाला हूँ, एक्सेबिलिटी मेनू। तो साइड में दिया गया एक मेन आता है, तो इस तरह का ऑप्शन में आप लोग स्क्रीन शॉट, वॉल्यूम बटन, इस तरह का ऑप्शन आता है नीचे दिया। तो मेरा नेविगेशन जो है स्क्रीन पे ही है, तो उसका नेविगेशन में जो होता है बैक बटन, मेनू बटन वो सब नहीं होता है, साइड में सब काम हो जाता है। तो और एक बात बताता हूँ, मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो क्या होता है, आप लोग कॉम्बाइन चैनल से वाइन प्लेइंग ऑडियो। तो आप लोग यहाँ उस बटन को ऑन कर देंगे तो आप लोग का साउंड जो है बहुत अच्छे से सुन पाएंगे हेडफोन से। और ये जो ऑडियो बैलेंस जो है लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट से आप लोग को हेडफोन में जब गाना प्ले करेंगे तो वहाँ पर आप लोग क्या होगा, तो आप लोग का जो एक साइड में लेफ्ट राइट लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट बजेगा और राइट देंगे राइट बजेगा। तो और एक बात बताने वाला हूँ, और एक ऑप्शन है जेस्टर्स, यहाँ जेस्टर्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए सिस्टम नेविगेशन भी नीचे गया। और जाम टू कैमरा, तो जाम टू कैमरा पे जाएंगे तो आप लोग को जाम जब करेंगे तो आप लोग को फोटो ऑटोमेटिकली मतलब इस तरह के ऑप्शन होता है, तो आप लोग को स्क्रीन साइड में दिया गया आप फोटो खींच सकते हैं। तो नेविगेशन जो होता है, मैंने जो नेविगेशन बताया टू गो होम, स्वीप आप जैसे करती है तो आप लोग को साइड में दिया गया तो वहाँ से आप लोग बैक कर पाएंगे। तो टू बॉटम नेविगेशन, तो साइड में दो बॉटम आएगी, मतलब मिडिल में दो बटन आएगी इस तरह का से, देखें मैं जिस तरह वो स्क्रीन पे दिखा रही इस तरह से आएगा। तो और एक जो है ऊपर वाला वो देखिए हाई साइड में दिया गया इस तरह से नेविगेशन को साइड में। तो रेडमी फ्यूचर मोबाइल में दिया गया है, रेडमी और शाओमी मोबाइल में दिया गया है इस तरह का फीचर। और कौन कौन मोबाइल में दिया मुझे पता नहीं, लेकिन और एक फ्यूचर बताने वाला हूँ बैकअप। तो बैकअप करेंगे तो आप लोग का मोबाइल जो रजिस्टर फैक्ट्री रिसेट जो होता है, इस वीडियो देखकर आप लोग मोबाइल का जो प्रॉब्लम हो रहा है तो बैकअप रजिस्टर करते हैं। तो बैकअप रजिस्टर करने के लिए पहले आप लोग को रजिस्टर करने से पहले आप लोग को ईमेल आईडी वगैरह और पासवर्ड अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो रहने के बाद आप लोग को फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं आसानी से और लॉक भी खुल जाएंगे तुरंत। तो आप लोग ईमेल आईडी वगैरह नहीं रहेंगे तो आप लोग रिसेट करके भी आप बाद में ईमेल आईडी पर भूल जाएंगे, बाद में 200-300 रुपये का चुना लगेगा, मतलब कंप्यूटर से मतलब डाउनलोड करके ये सॉफ्टवेयर बाद में मोबाइल ऑन कर देता है। तो डार्क थीम क्या होता है, आप लोग को ऊपर में जो रश्मि है तो वाइट हो जाती है, वाइट होने के आप लोग को सुबह मतलब दिन में जो काम करते हैं वो देख पाएंगे, और रात में जो होता है परेशान होता है तो ऑटोमेटिकली कर देंगे। तो जब दिन होगा तो मतलब सुबह होगा डे होगा तो तब आप लोग को जो वाइटिंग जो वाइट मोड है तो ऑन हो जाएगा, डार्क थिंग ऑटोमेटिकली रखेंगे तो इस तरह से होता है। एडवर्सिस जो होता है आप लोग का जो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम होता है और बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए इसके स्क्रीनिंग टाइमिंग, जो आप लोग का जो मोबाइल 1 मिनट 30 सेकेंड जितना आप लोग दे सकते हैं, मतलब आप लोग 30 सेकेंड लेंगे तो तुरंत ऑफ हो जाएगा और 15 सेकेंड लेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ज़्यादा समय रखने से 1 मिनट बहुत अच्छा रहता है, बेटर। तो आप लोग इस तरह से दे सकती है। तो और एक बताने वाला था वो लॉक
जो आप लोग को लॉक मोबाइल करके आप लोग को मोबाइल के ऊपर नाम भी रख सकते हैं। मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो में, तो देख रहे हैं आप ऑन हो जाएगा ऊपर लॉक बटन के ऊपर आप लोग का नाम स्क्रीन शो करेगा। तो ये थीम नहीं है, आप लोग को सेटिंग्स में होता है, तो देखते रहिए मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए ऊपर ये देखिए मिनहाजुल इस्लाम है और स्क्रीन और लॉक स्क्रीन मैसेज, तो इस तरह से आप लोग नाम शो करने से बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, मुझे बहुत लगा इसीलिए मैंने चेस करके मेरा नाम ही रख दिया। तो और एक बात बताने वाला हूँ, देख रही इस वीडियो में, तो देखिए फोन साइज नहीं दिखाऊंगा अभी, देखिए और कुछ दिखाने वाला हो डिस्प्ले पे जो नहीं लगता है। साउंड भी देखिए यहाँ पे आप लोग डोंट नोट डिस्टर्ब जो है, डोंट नोट डिस्टर्ब पे आप लोग जब गेमिंग प्लेइंग करते हैं वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप बेडिंग मतलब टाइमिंग स्लीपिंग टाइम जो भी आप लोग डोंट नोट डिस्टर्ब वहाँ पे आप लोग उस टाइम पे आप लोग को कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोग फंक्शन को ऑन कर देंगे तो आप लोग का मोबाइल का कॉल जो है तो मैं आप लोग को ऑन कर देंगे तो अलाउ, तो आप लोग का कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन आप लोग को साउंड वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा, दर्द से आएगा। 3-4 बार से कॉल ट्राई करेंगे तो वो लोग तो बाद में आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा लेकिन रिंग नहीं बजेगा, तो आप लोग का जो बेल होता है मोबाइल की वो बेल नहीं चलेगा, साउंड लाउड से नहीं बजेगा। तो आप लोग को इस तरह से आप मैं इवेंट फ्री फायर प्लेइंग इस तरह से मैं दिया गया था, तो मैं गेमिंग टाइम में मुझे दिक्कत होती है इसीलिए रेडमी मोबाइल और कुछ कुछ मोबाइल में दिया गया है फंक्शन। तो यहाँ पे आप लोग डेफुल नोटिफिकेशन साउंड, तो आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन साउंड भी सेट कर सकते हैं। एम आई एथनी कुछ कुछ लोग नया बंदा मोबाइल बाय करके वो लोग फंक्शन फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए उस लोगों का परेशानी होता है। तो देखते रहिए मैं आप लोग को अपने मोबाइल डाउनलोड करके एक साउंड में सुना देता हूँ, सुन लीजिए सर के साउंड देता हूँ, हाँ सुन लिया। तो और एक बात बताने वाला हूँ, देखते रहिए डोंट नोट डिस्टर्ब में और एक फंक्शन है, तो अभी मैं और एक चीज़ दिखाने वाला स्टोरेज पे आप लोग को मेरा मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा है इसीलिए दो मेमोरी कार्ड शो रहा है, एक है 128 स्टोरेज और एक है 64। तो मेरा दो एक मैं एक ही सिम यूज़ करता हूँ इसलिए एक सिम यूज़ बहुत अच्छा लगता है, एक ही सिम से कॉल आएगा तो दो कॉल नहीं आएगा इसलिए मैं एक सिम यूज़ करता हूँ। तो देखिए परमिशन मैनेजर में आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें वो परमिशन कर अलाउ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो जो आप लोगों को कुछ काम प्रॉब्लम हो जाते हैं वो सॉल्व हो जाता है तो परमिशन में। तो और एक बताने वाला हूँ फीडबैक, तो आप लोगों का मोबाइल पे जो जब प्रॉब्लम होता है कुछ काम नहीं करता है कुछ भी बटन मतलब कुछ भी हैंग हो जाता है, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट देकर आप लोग यहाँ से अपना नंबर या मेल भी कर सकते हैं जिस कंपनी से मोबाइल आया है, तो उन लोगों के पास फीडबैक चला जाता है, तो बहुत उन लोगों को आप लोग को ईमेल पे भेजेंगे कुछ प्रोडक्ट, तो इस तरह से प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो आप लोग को केयर में भेजने के लिए बोलेगा। तो MI A3 का इस तरह का मैं फ्यूचर आप लोगों को कोई बंदा नहीं बताएगा MI A3 का, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस वीडियो बनाया गया हूँ। तो देखिए बैटरी परसेंट, तो आप लोग को जो शो होता है परसेंट ऊपर में जो अपना मोबाइल में चार्ज कितना है कितना नहीं है, तो इस तरह से आप लोग देख पाएंगे अपना मोबाइल चार्ज कब फुल होगा वो भी शो करेगा और मोबाइल की बैटरी ख़त्म कब होगा वो भी शो करेगा और अपने मोबाइल कौन सी है कितना बैटरी मतलब यूज़ हुआ वो भी चेक कर सकती है इसी बैटरी मैनेजर से। आप बैटरी सेवर मेरा ऑन है, बैटरी सेवर में आप लोग 40% मैंने 20% रखा, जब 20% हो जाएगा तब साउंड आएगा तो तुम्हारा मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो चुका है, मतलब थोड़ा बाकी रहेगा 20%, तो इस तरह से आप लोग शो मतलब ऐड कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकती है, किस तरह का वीडियो चाहिए किस तरह का नहीं चाहिए कि कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आया उस वहाँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ मेरा लॉक है, मैं लॉक खोल करके आप लोगों को समझाने ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप लोगों को चेंज स्क्रीन लॉक आप लोग नॉन कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, पैटर्न कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं, जो भी अपना मन खुशी में रखना चाहिए तो रख सकते हैं। तो और एक बताने वाला हूँ फिंगरप्रिंट आप लोग मैंने दो रखा, दो थम मतलब उंगलियों से मैंने थम फिंगरप्रिंट ही अच्छा रहता है तो इसीलिए मैं थम से दिया गया हूँ। तो और क्या है जो आप लोग को मोबाइल में फेस अनलॉक रिमूव कर सकती है, यहाँ से आप लोग को पहला आप लोग को लॉक जो देगा है वो लॉक खुल के आप लोग फेस अनलॉक भी कर सकती है, यहाँ नीचे देखिए एक बटन शो हो रही है इसको ऑफ कर देंगे तो अनलॉक हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरह का सब प्रॉब्लम मतलब होता है।
और देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट चाहिए क्योंकि मुझे 4000 का वॉच टाइम चाहिए 1K सब्सक्राइब कंप्लीट। अगर आप लोग को इस वीडियो देखकर पसंद है लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। इसके वीडियो देखने बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो तक क्या।